गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी सिर्फ 15 दिन में अपने लटके हुए पेट को अंदर करना चाहते हैं, वो भी घर बैठे बैठे बिना किसी इक्विपमेंट के, तो प्लीज आज का मेरा वीडियो जरूर फॉलो करें। और अगर आपको भी एक्सरसाइज के नाम से बुखार चढ़ता है, इन द सेंस कि आपको लगता है कि एक्सरसाइज करना बहुत बड़ा पहाड़ का काम है और आपको एज अ बर्डन थोड़े दिन आप फॉलो करते हैं और फिर उससे बोर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी बहुत आसान एक्सरसाइजेस जिनके रैप्स आपने मेरे बताए हुए तरीके से करने हैं और फिर देखें आपके अंदर अल्टीमेट रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज का कोई भी टाइम नहीं होता, चाहे आप सुबह करें चाहे आप शाम करें, बस खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको करना है। मॉर्निंग वर्कआउट अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं तो पूरा दिन वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कभी भी वर्कआउट करें। और मैं स्पेशली आपको खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं खुद इवनिंग में एक्सरसाइज करना ज्यादा कंफर्टेबल समझती हूँ अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग, बिकॉज मॉर्निंग में आपके पास बहुत सारे काम होते हैं जिसको आप लेट गो नहीं कर सकते हैं, राइट? इसके साथ साथ आपने अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लेने हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दी आपने सॉक्स पहना है तो सॉक्स पहनना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे कंफर्टेबल लगता है सॉक्स में करना, दैट्स व्हाई मैं करती हूँ। एक्सरसाइज के लिए कोई कंपल्सरी नहीं कि आपको सॉक्स पहनना है, और मेरे चैनल पर आने वाली हर एक्सरसाइज बॉयज एंड गर्ल्स सबके लिए होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपर टमी के लिए हम करेंगे 3 एक्सरसाइजेस, जो है सबसे पहले क्रंचेस, टो टच क्रंचेस और बाइसिकल क्रंचेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्रंचेस। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, अपने हैंड्स बैक साइड पे लेके जाइए लाइक दिस, और उसके बाद आपने अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को लिफ्ट करना है। जब आपका मसल एंगेज हो रहा है, यानी जब आप ऊपर आ रहे हैं और आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो आपने ब्रीथ आउट करना है। जब आप डाउन जा रहे हैं तो आपने ब्रीथ इन करना है, ठीक है। ब्रीथिंग मस्ट है, क्योंकि ब्रीथ जितना अच्छे से आप लेंगे उतना ही आपकी कोर एंगेज होता है और आपका वहां का फैट रिड्यूस होकर आपकी मसल टोन होना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए इसके हमें करने हैं 20 reps, यानी 20 बार हमें इसको रिपीट करना है, और इसके करने हैं हमें 5 sets। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको इस तरीके से अपने लेग्स को ऊपर, ठीक है, लिफ्ट करना है लाइक दिस, ठीक है। चाहे तो बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते हैं या थोड़ा सा बेंड करके रखें। उसके बाद आपने अपने हैंड्स को इस तरीके से बैक साइड पे लेके जाना है और अपने टोज को टच करना है। ऐसे में जब आप अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो आपकी मसल एंगेज हो रही है, ठीक है, तो आपने ब्रीथ आउट करना है। जब आप डाउन साइड जाएंगे तो ब्रीथ इन करना है। सेम आपको इसको 20 बार रिपीट करना है इस प्रोसेस को, और इसके करने हैं आपने 5 sets। कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो है बाइसिकल क्रंचेस, ठीक है। इसको भी आपने 20 टाइम्स रिपीट करना है और इसके आपने करने हैं 5 sets। तो आप इस तरीके से अपने हैंड्स को बैक साइड पे लेके जाइए लाइक दिस, और उसके बाद में आपने अपनी एल्बो से ऑपोजिट लेग के नी को टच करना है, देन इस साइड, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी बॉडी को और अपनी लोअर बॉडी को दोनों को मूव करना है, ठीक है। तो जब आपका एल्बो टच हो रहा है तो आपने ब्रीथ आउट करना है। जब आपकी बॉडी स्ट्रेट हो रही है लाइक दिस, तो आपने ब्रीथ इन करना है। ब्रीथिंग मस्ट है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, प्लीज मेक श्योर आप ब्रीथिंग प्रोसेस पर बिल्कुल ध्यान दें और हर एक्सरसाइज में अपनी टमी को अंदर खींच के रखें, ठीक है।
यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे अपने लोअर आर्म्स को टारगेट, जिसके लिए आपको करना है लेग रेस। सेकेंड हम करेंगे फ्लटर किक्स। थर्ड हम करेंगे पॉइंटर रिवर्स क्रंच। इसके लिए हमें करना है लेग रेस। लेग रेस के लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाइए, अपने दोनों हैंड्स को अपने हिप के नीचे प्लेस करें। ऐसा इसलिए करना है, बहुत लोग पूछते हैं हम हिप के नीचे प्लेस क्यों करें, क्योंकि इससे आपकी बैक इंजरी नहीं होती, आपकी बैक को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। और बहुत लोगों को यहाँ पर हमारी टेलबोन होती है तो उसपे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है टमी की एक्सरसाइज करने के बाद, उसमें पेन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हैंड को प्लेस करें, उसके बाद में अपनी लेग्स को बिल्कुल मैट पर स्ट्रेट करें, अपसाइड लेकर जाएं, जितना हो सकता है स्ट्रेट करें, उसके बाद डाउन साइड लेकर जाएं। डाउन साइड में मेक श्योर कि आपने मैट से अपने फीट को टच नहीं करना, बल्कि आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है जितना मैं आपको करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने इस पोजीशन में 5 सेकंड्स या 3 सेकंड्स होल्ड करते हुए देन वापस से बैक जाना है, अगेन डाउन होल्ड बैक। ठीक है, ऐसा आपको करना है 20 टाइम्स और इसके आपको करने हैं एटलीस्ट 5 सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड गोइंग, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो, प्लीज हिम्मत नहीं हारनी है। आपको पीठ के बल मैट पे ले जाना है और अपने हैंड को अपने हिप के नीचे अगेन प्लेस करना है। उसके बाद आपने अपनी लेग्स को इस तरीके से फास्ट फास्ट मूव करना है, लेकिन इसको प्रोसेस को करने से पहले आपको अपनी अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है। किस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक दिस। ठीक है, देन अब हमें इसको स्टार्ट करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं 5 सेट्स। जितना हो सकता है पीछे की तरफ लेकर जाएं, देन अपने टोस को टच करना है। प्रॉपर हील और प्रॉपर फीट आपका टच नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे रहेगा। देन उसके बाद फिर से बैक टच बैक 20 टाइम्स आपको इसको रिपीट करना है और इसके करने हैं आपने 5 सेट्स। जब आपकी लेग्स अपसाइड जा रही हैं तो आपकी मसल एंगेज हो रही है तो आपने ब्रीथ आउट करना है, और जब डाउन साइड जा रहे हैं तो आपने ब्रीथ इन करना है। ठीक है, और प्लीज ब्रीथिंग पर ध्यान दें। पेट की या किसी की भी एक्सरसाइज आप करें, हमेशा अपने कोर को, अपने पेट को टाइट करके रखें, खींच के रखें, अंदर स्क्वीज करके रखें। इससे आपका टमी बहुत जल्दी, जितना भी लटक गया है उसका स्किन, वो भी अपलिफ्ट हो जाएगा और जल्दी वहां की मसल्स टोन होंगी। कंप्लीट होती हैं। अब हम टारगेट करेंगे ओब्लिक्यो को, जिसके लिए हम करेंगे नी टच क्रंचेस। नेक्स्ट हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। तो इसको टारगेट करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को इस तरीके से ऊपर लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के बाद में आपने अपनी नीज को अपनी चेस्ट के पास लेकर जाना है, देन आपको बैक साइड पे लेके जाना है। तो जब आप अपने नीज को अपने पास यानी कोर को एंगेज कर रहे हैं तो आपने इस टाइम पे ब्रीथ आउट करना है, और जब नीचे लेकर जाएंगे तो ब्रीथ इन करना है। 20 टाइम्स आपको उसको रिपीट करना है और इसके आपने करने हैं 5 सेट्स।
डन। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको मैट पे इस तरीके से बैठ जाना है और अपनी लेग्स को ऊपर लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के बाद अपने हैंड्स को जॉइंट करना है और साइड टू साइड लेकर जाना है, ठीक है। इसे कहते हैं रशियन ट्विस्ट। इससे क्या होगा, आपका जितना भी साइड फैट है वो बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा और आपकी वेस्ट को बहुत अच्छा कट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 टाइम्स और 5 सेट्स। इससे क्या होगा, आपका जितना भी यहाँ का फैट है वो बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा, आपकी एकदम कमर को बहुत सुंदर शेप मिलेगा। 20 टाइम्स और 5 सेट्स। डन। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी लास्ट एक्सरसाइज की, जो है प्लैंक। तो चलिए अब उसको प्रोसेस करते हैं। प्लैंक के लिए आपको अपनी बाजू को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है और अपने टोज पर आ जाना है लाइक दिस। अपनी बॉडी को 90 डिग्री एंगल पे रखते हुए अपने हेड को सामने रखना है और सामने किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस आपको देखना है। अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे, किसी से बात करेंगे, तो आप प्लान कभी नहीं कर पाएंगे। आपने किसी एक चीज पर फोकस करना है, देन डेफिनेटली आप प्लान को 60 सेकेंड्स उससे ज्यादा और डे बाय डे इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आपकी बॉडी बहुत ज्यादा शिवर होगी, लेकिन आपने अपने फोन में टाइमर चला लेना है और मेक श्योर कि आपको 1 मिनट से अपने आपको बॉडी को पहले नहीं छोड़ना है। अगर नहीं हो पाता तो 30 सेकेंड्स के लिए तो मिनिमम करें ही करें। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा टमी वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करें, मेरा अकाउंट है डबल आई इशरा मेहरा, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम।